अवैध ब्लास्टिंग कर माफिया पहाड़ों का सीना कर रहे छलनी। चित्रकूट की नैसर्गिक सुंदरता हो रही खत्म। चित्रकूट में अवैध ब्लास्टिंग कर माफिया पहाड़ों का सीना कर रहे हैं छलनी। जी हां, हम बात कर रहे हैं धर्मनगरी चित्रकूट के भरतकूप क्षेत्र की, जहां अवैध ब्लास्टिंग से परेशान गोडा गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने गांव में किया जोरदार प्रदर्शन। पहाड़ों में हो रहे अवैध 4 इंची होल लगाकर ब्लास्टिंग करने, घरों में हो रहे कंपन और गांव के बीच से निकल रहे ओवरलोड ट्रकों से रोड़े हुए ध्वस्त, ब्लास्टिंग से उड़ रही डस्ट से टीबी जैसी बीमारी पनपने सहित हरे खेत हो रहे बंजर से परेशान ग्रामीणों ने उठाई खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज। जिम्मेदार है बेखबर। भरतकूप थाने के गोड़ा पहाड़ व वजनी पहाड़ का है ये पूरा मामला। ज्यादा ही खतरा है, जैसे ओवरलोड या आते हैं भरे हुए और कहीं धोखे से मतलब गिर जाए, रोड भी खराब है, गिर जाते हैं या बच्चे निकले आते स्कूल आते और जाते टाइम में, तो खतरा तो बना ही रहता है पूरे टाइम। अब आपको पहला चलते हैं बड़ी ब्लास्टिंग से, अब ब्लास्टिंग भी होती है तो ब्लास्टिंग तो मान लीजिए ये वाइब्रेट होता है, वो तो गांव के लिए नुकसान है, लेकिन मतलब ये रोड और यहाँ से निकलने वाले ठेलों से बच्चों को ज्यादा नुकसान है। ताला बंद कर, क्या नाम है? हमें ये ताला हमेशा लगाए रहना पड़ता है। क्या नाम है? भास्कर शुक्ला। अध्यापक कौन से विद्यालय? इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल घोड़ा। ग्राम पंचायत है, इसमें जो अवैध प्रकार से 4 इंची ब्लास्टिंग की जाती है, जो कि सरकारी कोई मानक नहीं है इनका, ना तो इनका कोई रजिस्ट्रेशन है 4 इंची का, बड़ी माइनिंग प्लांटिंग का ना मशीनरी काम करने का कोई मानक नहीं है, मगर ये प्रशासनिक जिला प्रशासन से जिला स्तर से ये अवैध रूप से काम कर रहे हैं। हम कई बार शिकायत किया, आला अधिकारियों से बताया भी, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। ब्लास्टिंग का परमिशन नहीं, कोई परमिशन नहीं है 4 इंची का, बिना परमिशन के काम हो रहा है। जो कि अभी नई खदानें बनी हैं, फिलहाल पहले के बात नहीं कर सकता कि था कि नहीं, मगर जो अभी 2-3 महीना पहले खदानें बनी हैं, इनका नया कोई परमिशन ही नहीं है। अच्छा, 1 इंची का परमिशन क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि 4 इंची जो हो ये बंद हो। जो मजदूर पलायन कर रहा है, गांव छोड़ रहा है, भुखमरी के कगार पे चल रहा है, तो ये अगर ये 4 इंची बंद हो जाएंगी, मशीनरियों से काम बंद हो जाएगा, तो यहाँ के मजदूरों का पेट पालन हो जाएगा। और जो 4 इंची से रात्रि में चलाते हैं चोरी छिपे, तो रात्रि में जैसे हम लोग घर में रहते हैं और ये ब्लास्टिंग किए, तो जो कंपन होता है उस कंपन से हमारे मकान हिलने लगते हैं, वाइब्रेट होता है तो कंपन होता है तो मकान हिलते हैं, तो हमें खतरा महसूस होता है कि कहीं मकान हमारे ऊपर गिर न जाए। इस कारण से 4 इंची ये बहुत बेकार है और 4 इंची से बड़ा नुकसान हो रहा है। कृषि योग्य भूमि बंजर हो रही है, जो वाटर लेवल पानी का वाटर लेवल है, किसानों का जो बोर किए हैं उसका वाटर लेवल जा रहा है। भगवान राम की तपोस्थली भूमि है, बगल से हमारे भरत जी का कुआं है, भगवान राम का कुआं है, उसमें भी वाटर लेवल पानी कम हो रहा है। तो जो पौराणिक यहाँ की सभ्यता है वो विनाश हो रहा है, और इससे जो 4 इंची चलती है, इससे जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, उससे 6 रोग टीबी की शिकायतें ज़्यादा है इस गाँव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर। किन किन खदानों में चल रही है? 2121 में चल रही है, मेरे पास वीडियो भी है, आपको दूंगा वीडियो। और जो है रात्रि में चोरी छिपे कई खदानों में चलती है। वधु सूट और साड़ी, एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधु सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णनगर मंडी चौराहा मथुरा।